आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है लैटीमेरिया स्विम्स बाय मींस ऑफ यानी जो लैटीमेरिया है वो किसके मींस के थ्रू स्विम करती है यानी किसके थ्रू स्विम करती है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लैटीमेरिया की बात करें तो इसके अंदर जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं उनका मेजर रोल होता है क्योंकि जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं, ये पैक्टोरल और पेल्विक फिन्स जो है, ये कैसे होते हैं? हाईली फ्लेक्सीबल होते हैं ठीक है और इस फ्लेक्सीबिलिटी के कारण ये जो फिन्स है ये हेल्प करते हैं इस लैटिन एरिया को अपनी पोजिशन एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं एडजस्ट टू पोजिशन ठीक है और क्या होता है स्विमिंग के टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल इस लैटिमेरिया के अंदर स्पेशलाइज वो प्रेजेंट होते हैं और ये मसलटोरल गर्डल में प्रेजेंट होते हैं और ये मसल्स होते हैं हाईली स्पेशलाइज जो कि पैक्टोरल फिन को रोटेट करने में हेल्पफुल करते हैं यानी हेल्पफुल होते हैं ठीक है मसल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं पेक्टोरल फिन को रोटेट करने में ठीक है और जब इन पेक्टोरल फिन्स का रोटेशन होता है तब ये लैटि फिश जो है वो स्विम करती है तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन है सॉरी फ्लैपिंग मूवमेंट ऑफ इट्स एंड पेल्विक ये ऑप्शन गलत है क्योंकि पेक्टोरल और पेल्विक फिंस को फ्लैप करने से ये जो लैटिमेरिया है ये स्विम नहीं करती तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेशनल मूवमेंट ऑफ इट्स पेक्टोरल फिंस ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हमने यहाँ बात की थी कि जो पेक्टोर फिंस होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको रोटेट करने में हेल्पफुल होते हैं और इस रोटेशन के थ्रू ये स्विम करती है तो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट है नेक्स्ट ऑप्शन फ्लैपिंग मूवमेंट ऑफ पैक्टोरल फिंस एंड रोटेशनल मूवमेंट ऑफ पेल्विक फिंस ये ऑप्शन गलत है और लास्ट ऑप्शन है रोटेशनल मूवमेंट ऑफ टेल फिन ये भी गलत है हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पर ऑप्शन टू